हाय दोस्तों, आज छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए। तो आज जो प्लांट आपको दिखाने वाला हूँ, ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो आप देख रहे हैं क्रिसमस ट्री। तो आपको ये जो दिख रहा है छोटा सा पौधा है, लेकिन ये 4 साल का पौधा है। तो आप भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसे छोटे बड़े प्लांट को आप बोनसाई बना के रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए तो 4 साल का पौधा है, जो इसको 2 तरीके से लगाते हैं। एक कुंडी पर लगाते हैं और एक ज़मीन में लगाते हैं। तो छोटा सा पौधा मैंने लाया था, तो उसको मैं कुंडी पे लगाया। आप देख सकते हैं ये 4 साल हो गया फिर भी छोटा है। तो आप ऐसा पौधा लगा सकते हैं, इसका नाम है क्रिसमस ट्री। तो मैंने छोटा सा पॉट में लगाए हैं, तो बहुत खूबसूरत दिखता है। तो आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं और आप मेरे जैसे ग्रो भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो क्रिसमस ट्री प्लांट है, ज़्यादातर ये पाइन्स की वैरायटी है। इसकी जो पत्ते आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े ब्रांच में आता है, और इसकी जो पत्ती है कांटे जैसे आपको दिखेगा, छूने से कांटे जैसे लगेगा। तो इस प्लांट की यही खासियत है, बहुत बड़े बड़े पत्ती होती है और ये पाइन्स की वैरायटी रहता है। ज़्यादातर देखा जाता है इसको पहाड़ी इलाका में देखा जाता है, जो पहाड़ी पर इसकी जो झाड़ रहती बड़े बड़े हाइट में दिखाई जाता है। तो आप उस प्लांट को जो पहाड़ी इलाका में रहता है, आप उसको आसानी से अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बता देने वाला हूँ जो क्रिसमस ट्री की हर एक बातें, कैसे ग्रो करना है, किधर रखना है और इस प्लांट को कैसे खूबसूरत बनाना है। तो हर एक बातें आपको बता देना चाहता हूँ। बात किया जाए तो इस प्लांट की जो मेन बातें रहती है, इसकी मिट्टी। बहुत सारे प्लांट तो लगाते होंगे, तो इस वाला प्लांट में आप लोग गलती कर देते हैं। तो सबसे इसकी जो ज़रूरी बात रहता है उसकी मिट्टी। तो इसकी मिट्टी आप कैसे देना है, तो हमारे पास आप देख रहे हैं बहुत सारे ब्रांचेस में पत्ती आई है। तो मैंने ज़्यादातर ये पहाड़ी इलाका में रहता है और इस प्लांट पहाड़ी इलाका में ज़्यादा ग्रो होता है, तो उस टाइम वो पहाड़ी इलाका में जो पत्थर की जो मिट्टी रहती है, रेतीली मिट्टी रहती है, तो उसमें आसानी ग्रो हो जाता है। तो आप ऐसा मिट्टी लीजिए जो मैं ज़्यादातर जो यूज करता हूँ, इसमें आप रेतीली मिट्टी इसमें ज़्यादातर देना है। तो और दूसरा कोई मिट्टी इसमें चलेंगे नहीं, तो ऐसा मिट्टी दीजिए जो रेतीली मिट्टी है हमारे पास। तो उस मिट्टी में क्या होता है, उस मिट्टी में पानी थामता नहीं है, आसानी से निकल जाता है। तो ऐसा पौधे के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहता नहीं है। तो सबसे पहली बात, इसमें ज़्यादा पानी भी इसमें देने का भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको हफ्ते में एक बार पानी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो सबसे पहली आप इसको मिट्टी जो देना है, वो रेतीली मिट्टी रहता है, उसमें आप फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, उस मिट्टी के साथ आप फर्टिलाइज़र जो नॉर्मली गार्डन सोइल की जो मिट्टी जो रहता है वो अलग रहता है, तो आप रेतीली मिट्टी उसमें यूज कीजिए। गार्डन सोइल की मिट्टी और रेतीली मिट्टी उसमें यूज करिए, और उसमें गोबर खत मिले तो आसानी से मिल जाता है, वो आप डाल सकते हैं। दूसरा, आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट वो वाला भी डाल सकते हैं, तो उसमें आसानी से ग्रो हो जाता है। पहली बात है, इसमें जो मिट्टी है आप उसको ज़रूर रेतीली मिट्टी से आप ग्रो कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा ही ग्रो होता है। तो इसमें सबसे पहली बात, उस मिट्टी में पानी ज़्यादा रहता नहीं है, वो आसानी से नीचे से कुंडी से निकल जाता है। बहुत सारे कमेंट आते थे जो इसकी बजट कितना होगा नर्सरी पे। तो छोटा सा पौधा हमारे पास जो बेचते हैं, छोटा सा पौधा रहता है, लेकिन वो आपको 70 रुपीज़ में मिल जाएंगे आसानी से। और ज़्यादा हाइट में लेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाता है। एक झाड़ का रेट जो रहता है 200 में आता है। तो आप ज़रूरी जो रहता है वो आप छोटे पौधे से आप ग्रो कर सकते हैं। छोटा पौधा से आप उसको जो गार्डन सोइल की मिट्टी उसमें डालना है, साथ में ऑर्गेनिक कंपोस्ट उसमें मिक्स करना है। तो एक साथ में आप मिक्स करके कोई भी कुंडी में लगाएंगे तो कुंडी में भी ग्रो हो जाता है, ज़मीन में लगाएंगे तो उसमें हाइट ज़्यादा बढ़ जाता है, कुंडी में लगाएंगे तो छोटा रहेगा और आपको ऐसा बड़े हरा भरा दिखेंगे और पत्ती इसकी बहुत लंबाई जाती है। तो आप ज़रूरी बात जो रहता है, आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादातर देखा जाए तो इसको गार्डन के लिए सबसे ज़्यादा इसको यूज करते हैं, जो लगाते हैं जो प्लांट है क्रिसमस ट्री प्लांट है। तो गार्डन को आप ऑफिस के सामने, घर के सामने ज़मीन में लगाएंगे तो बहुत सारे ब्रांचेज में इसकी पत्ती आती है और बहुत खूबसूरत दिखता है। तो ज़्यादातर इसको आप गार्डन की चाहते हैं,
खूबसूरत लाना चाहते हैं तो आप ज़रूर क्रिसमस ट्री पौधा जो रहता है आप उसको ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं अपने घर की जो छत पे छोटा सा कुंडी पे आप ग्रो कर सकते हैं तो उसमें भी आसानी से ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हैं क्रिसमस ट्री, अब इस गर्मी स्टार्टिंग चल रहा है तो क्रिसमस ट्री का जो ग्रो की जो टाइमिंग रहता है आप देख सकते हैं हमारे पास जो रखा हुआ है अब नई पत्ती ब्रांचेज इसमें आ गई है। तो इसकी जो ग्रो की जो टाइम रहता है जो महीने रहते हैं मार्च महीने स्टार्टिंग से अक्टूबर महीने तक इसकी ग्रो रहती है। तो इस गर्मी की मौसम चालू है तो इस टाइम इसकी ग्रो रहेंगी। आप देख सकते हैं नई पत्ती ब्रांचेज चार आई है। तो इस गर्मी की मौसम में ये ऐसा एक पौधा रहता है, आप गर्मी की मौसम पे जो ज़्यादा टेम्परेचर जो 42-43 ऐसे टेम्परेचर आ रही है तो आप इसको ज़रूरी जो रहता है इसको आप सेमी सेट में रख सकते हैं, जो खुला हुआ जाएगा जिधर रहता है, सुबह 2-3 घंटे धूप आती है बाद बाकी उसमें छाँव हो जाता है तो आप उसमें आसानी से रख सकते हैं और आसानी से ग्रो भी कर जाएगा। तो इसको ज़्यादा धूप में रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आती है आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो पत्ते जो रहती है इधर सा थोड़ा डैमेज हो जाता है तो ज़्यादा धूप की वजह से भी होता है। क्रिसमस ट्री को आप सेमी सेट में रख सकते हैं तो ज़्यादातर सेमी सेट में रखते हैं और ज़्यादातर ये ग्रो भी हो जाता है सेमी सेट में। तो इसकी जो ज़रूरी बातें रहती है आप इस गर्मी की मौसम स्टार्टिंग जो चल रहा है तो इसमें आप सेमी सेट में रख सकते हैं। देखा जाता है बहुत सारे लोग जो इसकी ऊपर की जो डंडी रहता है इसको थोड़ा सा काटिंग कर देते हैं तो उससे क्या होता है इसकी ग्रो नहीं बढ़ती है और इसको खूबसूरत चला जाता है। तो सबसे पहली बात इसको जो आप लोग काटिंग कर देते हैं ऊपर से थोड़ा सा डैमेज होने के बाद आप लोग काटिंग कर देते हैं तो इसको काटिंग मत कीजिए, बाद में वो आपको जो डैमेज हुआ है वो बाद में नई पत्ती पे फिर आएंगी। तो आप ज़रूरी जो रहता है इसको मत काटिंग कीजिए, इसकी खूबसूरत चला जाएगा। क्रिसमस ट्री पाइंस की वैरायटी रहता है तो ये पहाड़ी इलाका में ज़्यादा होता है, जो जंगली झाड़ बोलते हैं पहाड़ी में, और उसमें पहाड़ी में पत्थर के इलाका में ज़्यादातर देखा जाता है। तो इस प्लांट को आप भी ग्रो कर सकते हैं, आपको जो टिप्स मैंने बताई है जिसमें आप उसको रेतीली मिट्टी में लगाना है और उस मिट्टी के साथ में आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर खाद डाल सकते हैं तो उसमें आसानी से ग्रो हो जाता है, तो आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। आप इस गर्मी के मौसम में इसको सेमी सेट में रखना है तो आप इसको कोई भी नर्सरी में अवेलेबल रहता है तो छोटा सा पौधा भी मिल जाता है 70-80 रुपीज़ से मिल जाए, तो आप छोटे से बड़े कीजिए, आप अपने गार्डन पे ज़रूर लगाइए। तो आप समझ गए होंगे, कोई भी बातें रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो से।